हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली नारियल और भुना चना लेंगे। इसकी हम बनाएंगे चटनी और बनाएंगे आज अप्पम। ये हम ले लिए हैं मूंगफली और इसमें हम डालेंगे भुना चना। हमने मूंगफली को पहले ही रोस्ट कर लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे किसा हुआ नारियल। इसमें हम डालेंगे लहसुन, मिर्च लिए हैं हम अपने अनुसार जितना हमको तीखा पसंद हो, और इसमें थोड़ा अदरक। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, आधा चम्मच नमक और धनिया, चीनी ऐड करेंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ग्राइंड करने के बाद। इसके बाद फिर ग्राइंड करेंगे और एक बार। हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम चटनी में तड़का देंगे। चटनी में तड़का दे दिए हैं। चटनी बनाने के बाद अब हम अप्पम बनाएंगे, और अप्पम के लिए हम लेंगे 1.5 कप सूजी। सूजी चाहे मोटी हो या पतली हो, चाहे जैसी भी ले सकते हैं आप। और इसको 1.5 कप या कटोरी से नाप लें या फिर कप से नाप लें। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब में हमारी दही है। दही डालने के बाद इसके बाद हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इसमें अब हम 1/2 कप पहले पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा ये बैटर थोड़ा हल्का गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब इसका हम बिल्कुल बढ़िया सा शेप बना लेंगे ऐसे। ये हमारा अपम बिना तेल के ही अपम ये तैयार हो रहा है। ये हमारा देखिए जालीदार एकदम फ्लफी अपम तैयार हो रहा है। ये देखिए हमारी बिल्कुल फ्लफी अपम तैयार है, बिल्कुल अच्छे से पक गया है बिल्कुल। ये देखिए इस साइड बहुत अच्छे से हमारा अपम तैयार हो गया है, दोनों साइड अच्छे से ही पक गए हैं। ये देखिए हमारा दूसरा अपम भी तैयार होने वाला है। चाहे तो इसको ढक भी सकते हैं ताकि हमारा दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारा दूसरा अपम भी तैयार हो गया है। कितना फ्लफी सा जालीदार बनकर तैयार हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क कर थोड़ा सा हल्का पोंछ लेंगे। उसके बाद हम अपना बैटर डालेंगे। ये देखिए हमारा फ्लफी सा जालीदार बिल्कुल अप्पम। ये हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर जालीदार बिल्कुल है।
अब हम टमाटर की भी चटनी बना लेते हैं। टमाटर, हरा धनिया और लहसुन की भी चटनी बना लेंगे। अपम हमारा बन गया है। टमाटर हमने ले लिया है, धनिया ले लिए हैं, लहसुन, मिर्चा और थोड़ा सा अदरक। इसकी अब हम बनाएंगे चटनी। इसमें हमने थोड़ा सा सरसों भी डाले हैं, सरसों। चलो अब इसको हम ग्राइंड। हमारी चटनी बन गई है। नमक हम इसमें बाद में डाल रहे हैं, नमक हम भूल गए। ये देखिए हमारा सॉफ्ट सा अप्पम बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसको कितना सॉफ्ट है, इसको चाहे जैसे खाइए। ये देखिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।